नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सनी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर। सनी इलेक्ट्रॉनिक्स आज की वीडियो कवर करने वाले हुए हैं पिक्सल मास्टर का लाइव शो। जैसे कि आप पिक्सल एडी यूज कर रहे हो, बट बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट था कि सर पिक्सल मास्टर का लाइव जो डेमो आप चला रहे हो वो कैसे चलती है, और हम क्या पिक्सल स्ट्रिप्स या 12 MB के पिक्सल एडी हो, चाहे डांस फ्लोर हो, चाहे बिल्डिंग हो, एनी वेज टोर्नामेंट के लिए क्या हम पिक्सल मास्टर लाइव यूज कर सकते हो, तो उसके बारे में जो वीडियो कवर करने वाले हैं। बहुत लोगों का डाउट्स था इसलिए मैं इसको क्लियरफाई करूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम वीडियो ला रहा हूँ। तो गाइस, अभी तो हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि पिक्सल क्रिएटिव टिप्स एंड वीडियोस में ला रहता हूँ, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल भी हमारा ही है और फेसबुक चैनल भी हमारी है, तो वहाँ जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे नए नए वीडियोज के टिप्स आते रहते हैं। तो बात करते हैं जो कि पिक्सल एडी 12 MB की, जैसे आप लोग यूज करो बिल्डिंग एलईडी के लिए, हम इसको भी लाइव चला सकते हैं, जो कि पिक्सल मास्टर 8 पोर्ट की। इसका एक नेक्स्ट वर्जन आया है 32 पोर्ट, अब 32,000 पिक्सल भी चला सकते हो, जो कि पिक्सल मास्टर को लाइव में। अब बात करते हैं पिक्सल स्ट्रिप्स। जैसे कि आप लोग पिक्सल स्ट्रिप्स यूज करते हो, आप लोगों को क्वेश्चन था क्या हम लाइव में भी ये कंट्रोलर को डीजे, मोबाइल डीजे हो या हमारा डांस फ्लोर हो, क्या हम इसको भी स्ट्रिप चिपका के यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप हमारे पिक्सल मास्टर को लाइव यूज कर सकते हो, जो कि जैसा मैंने एक पैनल बनाया हुआ है, इसको लाइव भी चलाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे चल रहा है दिखने में। जो आपको मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, जो कि हमारा पिक्सल मास्टर सॉफ्टवेयर हुआ जिससे ये ओपन होती है। अब कंट्रोल की बात करता हूँ, तो ये पिक्सल मास्टर कंट्रोल है जो कि नया वर्जन में अपडेट है, ठीक है, और जो कि इसके अंदर आपको यहाँ पे नेक्स्ट बट डिजाइन कर सकते हो, प्रीव्यू, सेव, स्पीड अप डाउन, और जो कि यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड आपको फ्री मिलता है, ठीक है, और 8 पोर्ट मिलेंगे आपको, डीएमएक्स सिंस करने का भी ऑप्शन है। पिक्सल मास्टर का ये बहुत ही अपडेट वर्जन है, आप उसको यूज करिए, और जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंस है लाइव, मतलब आपको T8000 पर लाइव ऑप्शन नहीं मिलता। आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि मैंने जो डिजाइन बनाया वो देखने में कैसा लग रहा है, तो डायरेक्टली पिक्सल मास्टर में आप उसको देख सकती हो, ठीक है। और अब डीएमएक्स करने का जो ऑप्शन था मैंने बताई दिया आपको सिंस करने का। अब हम चलते हैं इसको कनेक्ट करके, अब दिखाते हैं इसको लाइव डेमो, उसके बाद हमको दिखाएंगे हार्डवेयरिंग पार्ट, हम कैसे कनेक्ट करते हैं बाय स्टेप बाय स्टेप। चलिए चलते हैं हार्डवेयरिंग पार्ट पे। जैसे कि हमारा हार्डवेयरिंग पार्ट, जो कि हम पिक्सल मास्टर का जो लाइव है कंट्रोलर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑनलाइन कंट्रोलर अभी कनेक्टेड नहीं है इसलिए ये रिजल्ट शो नहीं कर रहा, ठीक है। जो भी कंट्रोलर हमारे दो डेटा प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो कि एक डेटा और एक मतलब 50x20 50x20, जो कि मैंने दो डेटा यूज़ किया, और ये हमारा ग्राउंड है जो दो दो ग्राउंड को मैंने ऐड किया है। लाइव करने के लिए हमने यहाँ पे यूएसबी केबल यूज़ किया हुआ है, जो कि प्रिंटर वाला, और जो कि मैंने कंट्रोलर को प्लस माइनस दे दिया हुआ है, और पावर सप्लाई आपको दिख रहा होगा 5 वोल्ट 70 एम्पीयर सप्लाई मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा प्रोवाइड मैंने कैसे किया हुआ है। डेटा की जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक जो कि 50x20 का सेकंड डेटा यूज़ किया हुआ है, जो कि डायरेक्टली मेरे कंट्रोलर में कनेक्ट है, और जो कि वायर मैंने देखो नेट केबल यूज़ किया हुआ है, 25 मीटर की वायर, जो कि डेटा प्रोवाइड इससे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग क्वेश्चन था कि क्या हम लॉन्ग टाइम अगर प्रेस करेंगे डेटा को तो क्या दिक्कत तो नहीं आएगी ना, और जो कि मेरा सेकंड है, मैंने सेकंड डेटा को यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। ऐसे मेरे साइज बने हुए हैं, 50x20 साइज का पैनल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैसे कनेक्ट करते हैं प्रोसेस को। जैसे कि मेरा भी कंट्रोलर ऑफ है और जो कि मेरी लाइव सॉफ्टवेयर ओपन है, हम शुरू से प्रोसेस करेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं। पिक्सल मास्टर का सॉफ्टवेयर जिससे कि हम इसको पैनल को ऑन करेंगे, तो पैनल को ऑन के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लाइव कनेक्ट कर दिया, जो कि हमारा एक नेट केबल है जिसको हम दिखाता हूँ आपको पास में, ये प्रिंटर वाली हमारी, जो कि लाइव करने के लिए हमारा एक कनेक्टर है, इसको हम लाइव करने के लिए इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आप भी ऐसे कनेक्ट करेंगे और अपने पीसी में इंक्लूड करेंगे, जो कि सॉफ्टवेयर पिंग के लिए हमारे एक सॉफ्टवेयर है, जो कि पिक्सल मास्टर के नाम से सॉफ्टवेयर है, जो कि अभी मेरा एक लाइटिंग्स का जो हमारा डिजाइन पैटर्न है अभी वो बंद है, मतलब इसकी जो पावर सप्लाई इसको बोलते हैं बंद है, तो उसको ऑन करने के लिए हम पहले सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे, जो कि लाइव में। तो पहले हम लाइव नहीं करते हैं, पहले आपको दिखाते हैं ऑफलाइन में मैं डिजाइन पैटर्न क्रिएट किया था कैसे दिख रहा है चलने में, जो कि मैंने हाफ छोटा डेमो टेस्टिंग के लिए। तो मैं सप्लाई को ऑन करूंगा, तो भाई सप्लाई मैंने ऑन कर दी, जैसे देख रहा हूँ अभी डिजाइन पैटर्न चल रहे हैं, जो कि ये मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने एक फाइल जो कि पिक्सल मास्टर का डाला हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो जैसे सॉफ्टवेयर हमारे ये पिक्सल मास्टर, इसको हम डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। आप पिक्सल एडी लाइव चलाने के लिए ये पिक्सल एडी 12 MB यूज कर सकते हो, तो ये कमांड का एक्सेस ले रहा है, हम इसको यस कर लेंगे, ठीक है। और गाइस, जो कि पिक्सल मास्टर जो डीलरशिप हमारे दिल्ली में है, शॉप नंबर 685 लाल किले के सब हमारी शॉप है, जहाँ से आप पिक्सल मास्टर को, जो कि हमारा डीलरशिप है, आप पिक्सल मास्टर इन अपने हिसाब से इसको हमसे लिंक करके आप भी सेल कर सकते हो एनी वेज ऑल इंडिया, ठीक है। तो जो कि सॉफ्टवेयर देखो यहाँ पे अभी ऑनलाइन कंट्रोलर नॉट कनेक्टेड लिख रही है, तो हमारे जो पीसी से कनेक्टेड नहीं है, तो पीसी से कनेक्ट करेंगे आप क्या करेंगे, पहले पीसी से कनेक्ट करेंगे इस कंट्रोलर को। तो हमने जैसे कनेक्ट किया, आपको एक साउंड प्रूफ आपको आवाज भी आया होगा, ठीक है। आपने देख रहा होगा कंट्रोलर वर रनिंग लिख रही है,
तो जैसे गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे एलसीडी मार्किंग शो कर रही है अप डाउन, आप देख रहे हो लाइव में भी ये अप डाउन चल रही है। तो जो फ्रेम रेट है एफपीएस, जैसे कि मैट्रिक्स में एफपीएस होती है, आप देख रहे हो बिल्कुल सेम ही सिमिलरिटी मिल रही है, कोई भी मैच मिसमैच नहीं हो रहा। जैसे कि मैं अगर पैटर्न्स की बात करता हूँ, आपको 29 GB आपको इफेक्ट्स फ्री मिलेगा हमारे फिक्सल मास्टर टीम की तरफ से, ठीक है। बात करते हैं इसमें जो जनरली जो मेन चीज इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे का डाउट्स था सर इस चीज में, जो कि साउंड्स के लिए क्या हम ऑप्शंस क्या यूज कर सकते हैं। अगर आप एनी वे जो भी साउंड हमने बीट बनाया डिजाइनिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक ऑक्स लीड लेनी है और फोन से कनेक्ट करना है, ऑटोमेटिक सारे जो डिजाइन पैटर्न होगा ना ऑटोमेटिक चलेगा म्यूजिक पे। जैसे बहुत सा लोगों का बीट पे काम करे ज्यादा चॉइस होती है सर, जो हमारे डांस फ्लोर से या हमारे एडवेंस जो भी बिल्डिंग्स प्रोग्राम बना रहे हैं वो बीट पे चले, तो ये बीट पे वाले चलने का ऑप्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न्स में, तो पैटर्न्स में क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप नाम भी चला सकते हो एंड एवीआई फाइल भी चला सकते हो, बट आपको पिक्सा मास्टर का एक अब खुद की अपनी एक पर्सनली खुद का कन्वर्टर है जिसको बोलते हैं SWF, जो कि SWF फाइल को ये बनाता है पिक्सा मास्टर फाइल में। पिक्सा मास्टर में कोई अलग से फाइल नहीं चलती है, वीडियो फाइल डायरेक्ट चलती है, लेकिन बाकी फाइल ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं होता, ठीक है। अगर हम फाइल की बात करें तो मैं अभी आपको डिजाइन पैटर्न को दिखाता हूँ, स्पेशल डिजाइनस। तो आप जैसे ही मैंने प्रेस किया क्लिक, वैसे ही हमारे डिजाइन आउटपुट आपको दिख रहे हैं क्लियर फाइल। तो मैंने स्ट्रिप में इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन था कि 50x40 का जो साइज होता है उस पर ये पिक्सल मास्टर कनेक्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो इसलिए मैंने 50x40 का साइज लेकर मैंने ये डिजाइनिंग चला के दिखा रहा हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा बहुत ही क्लियर फाई डिजाइन चल रहे हैं और आउटपुट कलर भी जो है बहुत ही क्लियर फाई आ रहा है दिखने में। तो उसी हिसाब से मैंने इसको क्रिएटिंग करके मैंने एक आपको डिस्प्ले दिखाया है। और जो कि मैंने वायरिंग की बात करता हूँ, जो कि मैंने कैसेस वायर यूज किया हुआ है, ठीक है, जो कि 25 मीटर की वायर से डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो कि दो डेटा मैंने यूज किया हुआ है उसी ये प्रोवाइड होकर चल रही है। इतनी लॉन्ग डेटा भी हमारे लाइव चल रहा है, जैसे कि मैंने आज से 3 साल पहले मैंने लाइव दिखाया था डी वीडियो जो कि वाराणसी के मैंने लाइव शो किया था, ठीक है। हम बात करें डिजाइन पैटर्न्स में, तो और भी पैटर्न्स हमें पड़े हुए हैं, जो कि मेरे ये देखो ये फायर है, ये आग जलती हुई फायर आपको दिख रही होगी क्लियर फाइव। तो आप ऐसे ऐसे लाइव डिजाइन प्ले कर सकते हो। और डांस फ्लोर में अपडेट ये वर्जन आया है कि आप डांस फ्लोर में लाइव शो कनेक्ट करो सॉफ्टवेयर से और लाइव शो डिजाइन चेंज करते रहो। अगर आपको नाम चेंज अगर नाम चाहिए तो यहाँ पे पिक्सल टेक्स्ट में डाल दो तो आपको नाम दिख रहा होगा, जैसे कि अपना उल्टा आ रहा है तो मैं अभी वटियर कर दूंगा, तो आप देख रहे हो जैसे कि पिक्सल मास्टर टीम के नाम से आपको नाम टेक्स्ट दिख रही है। और एनीवेज आपने सबसे कलर चॉइस कर सकते हो, आपको डिपेंड करता है कि कैसे आपको कलर चॉइस करनी है, ठीक है। एंड उसको कवर करते हैं, अगर आपको बहुत सारे पिक्सल आईडी है RGB RGBG GRB GBR, ठीक है, जो आपके अलग आईसी कलर कोड होते हैं आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। 2811 आईसी अलग होती है, 1909 आईसी अलग होती है, सबके अलग कलर चॉइस यहाँ पे कलर कोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आईसी जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है एंड बहुत सारे डिजाइन पैटर्न आपको अच्छे से मिल जाएंगे पैटर्न, ठीक है। एंड मैं डिजाइन प्ले करता हूँ अच्छा खासा। और जो एसडी कार्ड के प्रोग्रामिंग के लिए आपका जो डाउट्स था थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो कि यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे एसडी कार्ड का ऑप्शन देता है, यहाँ पे पूछता है एक्सपोर्ट डायरेक्टली फाइल, यहाँ पे ओके मारेंगे आपका डायरेक्टली जो फाइल है ना जितने भी आप सीन्स बनाओगे, जैसे मैंने ओके किया था पूछ रहा है कि फाइल कहाँ पे डालनी है सीन्स, तो सीन्स के नाम से हमारा ये फाइल आती है। जैसे आपने ये जो किया तो आपको सीन्स ऐड करनी है, यहाँ पे प्लस करना है तो हमारी दूसरी सीन्स आ जाएगी, तो इसमें हम ये डाल दूंगे, ठीक है। ये डिजाइन चल डाल दिया मैंने, उसके बाद मैं आ जाता हूँ 2024 में, तो देख लो डिजाइनिंग बहुत इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। आप देख लो जैसे कि डिजाइन चल रहा है, तो आप सीन्स को ऐड करना है और बाकी बाद में आपको सीधे डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना है एसडी कार्ड में, जो हमारे फाइल्स हैं सारे एसडी कार्ड में आ जाएंगे। पहले लाइव डेमो चेक करो फिर एसडी कार्ड में डाल दो, आपका दोनों काम करेगा। अगर आपको एसडी कार्ड नहीं अगर आपको लाइव नहीं चलाना है तो एसडी कार्ड भी चलेगा, अगर लाइव चलाना है तो लाइव भी चलेगा, दोनों चलेगा। तो चलते हैं, आप हार्ड वायरिंग पार्ट पे आपको कनेक्ट करना सिखाई दिए कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। जो कि कनेक्टर में कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा डाउट नहीं है, आपको डायरेक्टली जैसे पोर्ट लगा दो T8000 में 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे इसको कनेक्ट करना है और डायरेक्टली मेडिक्स पे जो कि हमारा लाइव कंट्रोलर है तो डायरेक्टली लैपटॉप में कनेक्ट करना है एंड कंट्रोल कनेक्ट करना डायरेक्टली ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको कंट्रोल आपको ऑनलाइन कंट्रोलर के नाम से शो करेगा। अब बात करते हैं इसकी पैचिंग फाइल की, पैचिंग फाइल की भी क्लियरिफाई कर देते हैं आपको, क्योंकि वीडियो तो लॉन्ग हो रही है, किस लिए फाइल, क्योंकि मैं पिक्सल मास्टर लाइव जो था वीडियो में लॉन्ग टाइम ला रहा हूँ, जो कि बहुत लोगों को डाउट्स था सर पिक्सा मास्टर में जो वीडियो बनाइए फिर से हमें फिर से समझाइए कैसे इसको कनेक्ट करते हैं कैसे चलाते हैं और इसमें क्या अपडेट आ रहा है, तो हमें क्लियरफाई करिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर हम चला रहे हैं 0.449, आपको 5.2 मिलेगा क्योंकि 5.2 मैंने एक अपडेट किया है जो कि टेक्स्ट में बहुत सारे अपडेट को, अगर टेक्स्ट को आपको राउंड में चलाना है या टेक्स्ट में गोले में चलाना है या फिर आधा हाफ सर्कल चलाना है
या फिर 20 से चलाना है, तो ऑटोमेटिक बहुत सारे फीचर्स अपडेट किए गए 5.2 में। आपको जब सॉफ्टवेयर कंट्रोल परचेस करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर एंड इफेक्ट्स फ्री मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पैचिंग का, जो कि अब देख रहे हो बिल्कुल बहुत ही ईजी हमारा कॉन्सेप्ट बनाया गया है पैचिंग का, जो कि इसमें एलईडी आप भर सकते हो, एक एक एलईडी भरना है वो भी भर सकते हो, ठीक है। आपको कनेक्शन एस कनेक्शन है, जेड करना है, किस टाइप्स के इसको बोलते हैं बॉथम एलईडी सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा है क्यूक कनेक्शन, जैसे हम जेड कनेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए तारे होती है ना, उसको बोलते हैं वायर को कनेक्ट, ये हमारी चीजें हैं पोसे ने। यहाँ पे हमारे पैच को वर्टिकल हॉरिजेंटल 90 डिग्री 180 डिग्री के करने के लिए ऑप्शन दिया गया हुआ है, कौन सा कनेक्शन करना है, वर्टिकल से हॉरिजेंटल जाना है, हॉरिजेंटल से वर्टिकल आना है, जेड कनेक्शन करनी है। ये हमारा पिक्सल डायग्राम है, इसके अंदर मेन ऑप्शन है सर्कल। अब बात करें सर्कल की, तो आप सर्कल भी बना सकते हो, ठीक है। ये देखो आप सर्कल भी बना सकते हो। अगर आपको वीडियो कोर्स का जो सिस्टम है बताया गया है, आपको लाइव ट्रेनिंग भी करा सकते किया जाता है, बट फिक्सा मास्टर मैंने इतना सारा बहुत सारे वीडियो बनाया है पैचिंग करने का सिस्टम, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो। तो होप्स गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने सारे वीडियो क्लियरफाई किया लाइव करने के लिए। अब हम थोड़ा सा इसको हार्डवेयरिंग पार्ट में लास्ट में आते हैं, और आपको दोबारा इसको रिकनेक्ट जूम करके दिखाते हैं कैसे मैंने कनेक्ट किया था बारी बारी, ठीक है। चलिए चलते हैं हार्डवेयरिंग पार्ट पे, दिखाते हैं कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कंट्रोलर कनेक्ट कर दिया है, अब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। अभी मैंने सप्लाई को ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, रन द एडमिनिस्टर और यस करेंगे, तो मेरी सप्लाई ऑन हो चुकी है। तो जैसे ही मैं कंट्रोलर कनेक्ट करता हूँ और सॉफ्टवेयर कनेक्ट करता हूँ, वैसे लिखता है ऑनलाइन कंट्रोलर, कंट्रोल ओवर रनिंग, तो आपको लाइट ग्लो दिख रही होगी, ठीक है। ऐसा मैं लाइट ग्लो भी कर रहा हूँ, तो आपको ये डिजाइन पैटर्न दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें कोई भी अलग से बहुत हार्ड वर्क नहीं है कि कोई प्रोसेस वगैरह कोडिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। अब डायरेक्ट ऐसे आप कंट्रोलर कनेक्ट करोगे, जैसे मैं दिखाता हूँ फिर से। जैसे ही मैंने कंट्रोलर कनेक्ट किया अपने पीसी से, वैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन किया, वैसे ही हमारे कंट्रोलर कनेक्ट हो गए, ठीक है। और आप एक डिजाइन पेज भी लेंगे अलग अलग, उसको बढ़ाने के लिए घटाने के लिए, ठीक है। जैसे मेरा फ्रेम से मैंने यहाँ पे अगर इसको मैं बढ़ाता रहूँगा तो आपको यहाँ पे देख रहे हो बढ़ रही होगी व्हाइट कलर की, ठीक है। तो ये फ्रेम से, बाकी पैटर्न्स तो आपको मिल जाएंगे। 13 में मैं देखता हूँ क्या पैटर्न्स है, तो आपको देख रहे हो कि मैं पैटर्न्स प्ले करके दिखाता हूँ स्लाइड में। तो इस टाइप्स का ये हार्डवेयरिंग में हमारा जो प्रोसेस था, हमने क्लियर कर दिया कि कैसे लाइव चलाते हैं। और अगर आपको 32 पोर्ट करंट करना है तो आप ऐसे ही करंट करोगे जैसे मैंने भी किया, ठीक है। पैटर्न्स आपको मैं दिखाता हूँ एक पैटर्न, तो ये देखो गाइस जैसे कि बहुत ही फास्ट अप डाउन कर रही है, ठीक है। तो ये देखो जैसे कि ये अपना मूविंग रोड सीलिंग के लिए, तो बहुत सारे इसके इफेक्ट आपको अच्छे मिलते खासे मिलते हैं आपको चलाने के लिए। एंड हम वीडियो को एंड करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे इसके बारे में और कुछ नए टॉपिक्स के टाइप्स का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।